हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप सभी के साथ फालूदा सेवई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट और बहुत ही कम समय में आप फालूदा घर पे बना सकते हैं और गर्मियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और इस कटोरी से मैंने आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पानी डाल दिया है और आप पूरी 1 कटोरी डालेंगे। तो पानी का रेशियो हमें एकदम अच्छे से लेना है, नहीं तो फालूदा अच्छे से नहीं बनेंगे। तो जितना आप कॉर्नफ्लोर लेंगे उससे 2.5 गुना पानी डालिएगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। तो यहाँ पर यह दूध की तरह लग रही है। तो अब मैं इसमें रोज एसेंस डाल रही हूँ और आप दूसरी एसेंस भी डाल सकते हैं। और मिठास के लिए 2 चम्मच चीनी डाल देंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर का कोई स्वाद नहीं होता। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ही ये गाढ़ी होने लगी है। तो ये कॉर्नफ्लोर जैसे पक रही है, हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें बर्फ़ डाल के रख देंगे। तो ये तैयारी हमें फ्लेम बंद करने से पहले करना होता है। और यहाँ पे देखिए ये एकदम गाढ़ी हो गई है और ट्रांसपेरेंट भी दिख रही है। तो हमने यहाँ पे टोटल 7 से 8 मिनट इसे पकाया है और एकदम स्टिकी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं चम्मच से उठा रही हूँ तो ये बहुत धीरे धीरे गिर रही है और एक जगह स्टिक हो जा रही है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ये सेवई मेकर और इसमें जो बारीक छेद वाली होती है उसे हमने फिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे और इसे हम गरम गरम ही डालेंगे। बर्फ़ वाले पानी में हम इसे चारों तरफ से चलाते हुए गिराएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से गिरे हैं। अगर ये कॉर्नफ्लोर अच्छे से नहीं पकी होती तो ये सेवई अच्छी तरह से नहीं बनती। तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छी तरह से ये सेवई सारे गिरा लिए हैं। और ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो ये तुरंत गैस बंद होने के बाद ही ये कॉर्नफ्लोर जमने लगता है। तो हमें सारे प्रोसेस बहुत जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ पे बर्फ़ वाले पानी में 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे और एकदम अच्छी तरह से सेट हो गई है। 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार के जैसे सेवई बन के तैयार हो चुकी है। और आप इसे 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवई बन के तैयार हो चुकी है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे बर्फ़ वाले पानी में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सब्जा सेट ले रही हूँ और इसे मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। ये 5 से 6 मिनट में ही अच्छी तरह से फूल जाती है। तो अब हम एक ग्लास लेंगे, इसमें डालेंगे रोज़ सिरप, सब्जा सेट और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। और अब मैं इसमें ठंडा ठंडा दूध डाल रही हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पे रबड़ी डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा तरीका आपको दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर हम फालूदा डाल देंगे। आप जितनी मात्रा में चाहें उतनी फालूदा डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा फालूदा डाल दिया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप इस तरह से भी नॉर्मली घर पर बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम रख दिया था और सिरप। तो ये हमारे फालूदा बनके तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी में।